मणिपुर का सवाल है। 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। अभी हाल ही के दिन में दो घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई, इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। हफ्ता में एक दो बार मणिपुर के बारे में मीटिंग कर रहा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, तो विद इन 5-6 मंथ इसको पूरा शांति आना चाहिए। Security forces are not there on every square inch of the ground. It's an open border. Not even porous, it's an open border. You can just walk across. So when your houses are being burnt, what do? You just run across. It's so not marked also? No, there are border pillars. But if there's one border pillar, the next border pillar is not seen. You can't make out the alignment of the border. So now they go across and they come back when they want to, if they want to. Right? But that's also the source of weapons which go up and down. True. What happened is all these militant groups started moving across, carrying smuggling of weapons, ammunition, and then of course the drugs.